एक छोटा सा स्टॉक जिसका प्राइस है ओनली 35 रुपीज, जिसके पीछे बहुत बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर पड़े हैं, अगर नाम बोलूं तो वो बहुत ज़्यादा फेमस नाम है दोस्तों, HDFC किसको नहीं पता है, ठीक है, HDFC किसको नहीं पता है दोस्तों, फिनसर फाइनेंस बैंक चाहे जो भी दोस्तों बोल लो सब कुछ है, ठीक है दोस्तों, हाउसिंग डेवलपमेंट भी है, ठीक है। और ये दोस्तों HDFC इसके पीछे क्यों पड़ा है, केवल 35 रुपीज़ के स्टॉक के पीछे, ये तो चलिए ठीक है। और उसके बाद दोस्तों राकेश झुंझुनवाला भी ऐसे स्टॉक के पीछे है जिसका प्राइस केवल 35 रुपीज़ है, और ये दोनों कॉमन थिंग है दोस्तों कि दोनों एक ही स्टॉक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके ज़रूर इंक्रीज़ कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। कितना परसेंट दोस्तों HDFC ने खरीदा है, अराउंड दोस्तों 5 या 6% के आसपास खरीदा है यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छा से दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है HDFC बॉट 3.4 करोड़ शेयर, यहाँ देख सकते हैं, और 5.45% स्टेक इन लो प्राइस, किस में, स्पाइस जेट में दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो किस में खरीदा गया है, फार एंड लो प्राइस में खरीदा गया है, स्पाइस जेट में, ठीक है। यहाँ पर देख लो दोस्तों HDFC हैज़ बॉट 3.4 करोड़ शेयर और द 5.45% स्टेक इन लो फार प्राइस एयरलाइन स्पाइस जेट। तो दोस्तों क्या ऐसा खास है जो स्पाइस जेट में खरीदने के लिए HDFC बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, ठीक है, ये एक बड़ी न्यूज़ है। और एक मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है राकेश झुंझुनवाला का पोर्टफोलियो, ठीक है, ये है राकेश झुंझुनवाला का पोर्टफोलियो, और ये जो लाइन आपको दिखाएगा दोस्तों, ये जो लाइन है, इस लाइन में आपको बताया जाएगा करोड़ में, मतलब कितने करोड़ पैसा यहाँ पर लगाए गए हैं, 1 करोड़, 308 करोड़, 656 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, 36 करोड़, तो ये जितने भी ये करोड़ में, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक कॉमन थिंग, ठीक है दोस्तों, कॉमन थिंग हम यहाँ पर देखते हैं, हाँ यहाँ पर देख लीजिए स्पाइस जेट, ठीक है, स्पाइस जेट है कि नहीं, स्पाइस जेट यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, स्पाइस जेट को ये वाला कॉलम आपको क्या करना है, फॉलो करना है, कितना करोड़ इन्होंने लगाया है वो भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग इन्होंने 28 करोड़ रुपया जो है स्पाइस जेट में लगा के रखा है, और ये कोई छोटी मोटी मतलब कि क्वांटिटी या पैसा नहीं होता दोस्तों, 75 लाख दोस्तों इन्होंने जो है ये किया है दोस्तों, शेयर को ख़रीदा है। तो आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि स्पाइस जेट में ऐसा क्या हुआ था कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और बहुत बड़े बड़े दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टर हैं जो 160 रुपीज़ का टारगेट दे रहे हैं, 160 रुपीज़ का टारगेट दे रहे हैं, मान लीजिए, मान लेते हैं कि भाई 160 रुपीज़ नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, हमने भी मान लिया, आपने भी मान लिया, कम से कम 160 का हम हाफ़ कर देंगे, ठीक है दोस्तों, 160 का अगर हम हाफ कर देंगे तो मान लीजिए ये 70 रुपीज़ के आसपास जा सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 70 रुपीज़ कम से कम, ठीक है भाई, हम 50% तो एक्सपेक्टेशन कर ही सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं दोस्तों, अगर उनका कॉन्फिडेंस है 160 रुपीज़ तो, ठीक है, अगर 70 रुपीज़ भी आ सकता है तो यहाँ पर आपका पैसा हो जाएगा डबल, ठीक है, यहाँ पर आपका पैसा क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल। कौन सा स्टॉक है, स्पाइस जेट। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, स्पाइस जेट का प्राइस क्यों गिरा है वो तो आप लोगों को पता भी है कि पूरा एयरपोर्ट जितना भी एयरलाइन सिस्टम है सब कुछ बंद कर दिया गया है दोस्तों मोदी जी के आदेश से, बस इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो, इस वजह से एयरलाइन में आपको बहुत तेज़ी से गिरावट ही देखने को मिला है और कुछ भी नहीं। लेकिन आपको क्या पता है, जब कोरोना ख़त्म होगा तो लोग फिर से आना जाना स्टार्ट कर देंगे, और फिर दोस्तों इसका जो है धीरे धीरे बाउंस बैक लेगा, ऊपर भी आएगा। और मैं आपको टारगेट भी दिखाता हूं यहां पर, मैं आपको, और यहाँ पर देख लीजिए जो बड़े बड़े दिग्गज है दोस्तों, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, बाय कॉल ऑन स्पाइस जेट, टारगेट प्राइस 160 रुपीज़, ठीक है, मान लेते हैं भाई 160 रुपीज़ नहीं जाएगा, लेकिन मान लेते हैं 70-80 रुपीज़ के तो बीच में जरूर जाएगा, इतना तो स्टॉक का पोटेंशियल है, इतना तो स्टॉक का पोटेंशियल है कि भाई धीरे धीरे जब इसका प्राइस इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा तो अपने रियल प्राइस पर पहुँच जाएगा। और ये जो भी प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, स्टॉक का प्राइस गिर रहा है ये कोरोना वायरस की वजह से, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो स्पाइस जेट का प्राइस बहुत स्पीड से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, और दोस्तों ये एक मल्टी बैगर स्टॉक भी बन सकता है, क्योंकि आपको 35 रुपीज़ के आसपास आपको कौन सा स्टॉक मिल सकता है भाई, कौन सा स्टॉक, वो भी एयरलाइन, मतलब अच्छे स्टॉक है, आप देख सकते हो जेट एयरवे मतलब बहुत बुरी हालत से क्या हुआ था, डूब चुका था, उसमें फ्रॉड हुआ था भाई, ऐसे इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसमें प्रॉब्लम हुआ है, वो भी एक छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबली प्रॉब्लम है, पूरे दुनिया में प्रॉब्लम है, चाहे हमारे इंडिया
इंडिया को ले लो, चाहे अमेरिका, कोई भी किसी भी, चाहे हमारे छोटे छोटे किसी को भी देश स्टेट को ले लो, सब जगह प्रॉब्लम है। मतलब किसी भी नाम को, एक पर्टिकुलर नाम बोला इंडिया नहीं, हर एक जगह में प्रॉब्लम है भाई। तो इसलिए स्टॉक का प्राइस गिर रहा। तो मेरे ख्याल से आपको खरीदना चाहिए और अच्छा से अच्छा जो है बेनिफिट आपको लेना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट होगा। लेकिन ये जो भी था दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक का प्राइस बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, क्योंकि देखिए स्टॉक स्पाइसजेट बहुत ज़्यादा गिर चुका है और इसको इम्प्रूवमेंट होने में, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब करने में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में थोड़ा बहुत टाइम ले लेगा। तो कम से कम मुझे लगता है कि साल दो साल ले सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर ये स्टॉक आपका पैसा दो से तीन गुना करता है तो उतना इसके पास पोटेंशियल भी होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी होना चाहिए, प्रॉफिट जनरेट भी होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो हर अभी देख सकते हो कोरोना वायरस के लिए हम गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉकडाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट टाइम चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों हर एक स्टॉक को टाइम दीजिएगा। आप अगर स्टॉक को टाइम दीजिएगा तो ये स्टॉक आपको प्रॉफिट बना के देगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक इंफॉर्मेशनल वीडियो। आप कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा अपना पैसा, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, और इसी तरह इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाला वीडियो आपसे नहीं मिस हो पाएगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूं, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ब्लर दिखता है, क्वालिटी ठीक नहीं दिखता है, तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मैं भी कुछ ना कुछ करके आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से दिखे। मैं कुछ ना कुछ करूँगा जिससे आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से दिखे, ठीक है।